तो भारत ने मालदीव के ऊपर एक और शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जो प्रोजेक्ट भारत मालदीव में सेटअप करने वाला था उस प्रोजेक्ट को अब दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। भारत ने हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका और नेपाल में भेज दिए हैं जो कि मालदीव में सेटअप किया जाना था, और जिस तरह से मालदीव अपने तेवर भारत को दिखा रहा है उससे भारत मालदीव को होने वाले फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट भी बंद कर सकता है। यानी भारत जो अभी तक मालदीव की मदद करता आया था उसने भारत से ही पंगा ले लिया है। वैसे मालदीव एक छोटा सा देश है और भारत मालदीव को आटा, दाल, चावल एवं अन्य सभी फूड प्रोडक्ट के साथ साथ टेक्सटाइल, वुडन और प्लास्टिक प्रोडक्ट भारत ही मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पुणे गैस मालदीव में LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली थी, लेकिन भारत और मालदीव के बढ़ते विवाद के कारण इस प्रोजेक्ट को अन्य देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जिसमें पुणे गैस अमेरिका, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में जॉइंट वेंचर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर नेचुरल गैस रसिया, कतर और UAE जैसे देश एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे भारत भारी मात्रा में रूस और कतर से नेचुरल गैस खरीदता है। लेकिन इस समय नेचुरल गैस को भारत में ले आने में समस्याएं आ रही है और अमेरिका ने रस्सियां पर सेक्शंस भी लगा दिए हैं, जिससे वह भारत को सीधे घास एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी बीच भारत ने एक बड़ी मात्रा में फायदा उठाने का तरीका निकाल लिया है, जिससे मालदीव जैसे देशों के खाने के लाले पड्डीडीडीएच सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को ठिकाने लगाने की नई तैयारी कर रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में मेन खबर यह है कि जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन का दौरा किए हैं, तब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुईद जो भारत को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि मोहम्मद मूवीज जो भारत विरोधी पहले से ही माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, और उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि यह भारत से मिलने के बजाय चीन और तुर्की जैसे देशों की यात्रा करते हैं, जबकि भारत मालदीव की हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में पहले भी मदद करता आया था। यहां तक कि साल 2014 में जब मालदीव के डिसैलिनेशन मशीन यानी कि समुद्र से पानी फिल्टर करने वाली एक बड़ी मशीन में आग लग गई थी, तो उस समय भारत ने वॉल्टर ऑपरेशन शुरू करके एक बड़ी मात्रा में मालदीव में पानी पहुंचाया था। वैसे तो मालदीव की जिन कठिन परिस्थितियों में भारत ने मदद की है उसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन मालदीव अब उसे भूल चुका है। लेकिन जब मालदीव ने भारत के द्वारा किए गए एहसान को भुला दिया है तो भारत भी अब मालदीव से दूरियां बनाना शुरू कर चुका है। अभी तक तो मालदीव और भारत का विवाद केवल इन्हीं दोनों देशों के बीच था, लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ 20 एग्रीमेंट पर समझौते किए, तब से भारत और मालदीव का विवाद और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति जब चीन गए हुए थे तो उन्होंने चीन के 720 एग्रीमेंट को साइन किए हैं, और अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये सारे एग्रीमेंट भारत और मालदीव के रिलेशन पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही किए गए हैं। इसीलिए भारत ने भी मालदीव से दूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी, और पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार करने के लिए भारत खर्च करता था, अब उसी खर्चे से लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाया जा रहा है, और लक्षद्वीप में वह सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है जो मालदीव में भी नहीं मिल पाती। और भारत कुछ LPG प्रोजेक्ट मालदीव में जॉइंट वेंचर में स्थापित करने वाला था, जिसे अब श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका जैसे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है। लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले के कारण भारत का जो ट्रेड रूट है वह डिस्टर्ब हो रहा है। इसके लिए भारत की पुणे गैस LPG प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में सेटअप करने जा रही है। इससे जो अमेरिका में नेचुरल गैस है उस पर आसानी से काम करके LPG में कन्वर्ट किया जा सकेगा, और इससे भारत को एक बड़े लेवल पर फायदा होने जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक पुणे गैस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को श्रीलंका में भी एक्सपेंड करने जा रही है, जिससे भारत और श्रीलंका के ट्रेड रिलेशंस और भी मजबूत हो सके। अगर भारत श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस कमजोर करता है तो चीन उसमें कूद सकता है, लेकिन भारत इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करने वाला है और श्रीलंका के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को पहले से ही मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस समय श्रीलंका में LPG गैस की डिमांड बहुत ही ज्यादा है
और इसीलिए पुणे गैस श्रीलंका के मार्केट एक्सेस को लेना शुरू कर दिया है। थैंक यू।